हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर ओडिशा चैनल में स्वागत। आज हम देखेंगे डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि डिटर्जेंट पाउडर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है। ये हमारा फॉर्मुलेशन वन होगा। इसी तरह हम 1, 2, 3 इसी तरह हम अलग अलग फॉर्मुलेशन के साथ डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे और उसके क्वालिटी भी देखेंगे वो कैसी क्वालिटी बन रहा है। तो चलते हैं, हम देखेंगे डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है। अब हम बनाएंगे डिटर्जेंट पाउडर। तो ये डिटर्जेंट पाउडर बनाने से पहले मैं आपसे करूँगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डिटर्जेंट पाउडर के अलग अलग फॉर्मुलेशन के बारे में वीडियो भी लाता रहता हूँ। उसके साथ हाउस होल्ड प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, हम डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाएं। एक हाई क्वालिटी डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे। तो इसे बनाने से पहले मैं एक उसे टॉप को वेट कर लेता हूँ। अब हम इसमें एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये मैंने पहले से मेजरमेंट करके रख चुका हूँ, मैं फिर से आपके सामने एक मेजरमेंट कर लेता हूँ उसे। तो पहले हम ले लेते हैं सोडा आस। ये है सोडा आस 500 ग्राम। अब हम उसमें डाल चुके हैं सोडा आस 500 ग्राम। उसके बाद डालेंगे एसिडिक सेलरी 100 ग्राम। उसके बाद हम डालेंगे एसएलएस 40 ग्राम। तो एसएलएस डालने से पहले हम उसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद डालेंगे एसएलएस डालेंगे 40 ग्राम। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अप्लाई कर रहा हूं उसे। उसके बाद हम डालेंगे टीएसपी 100 ग्राम, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये एक अल्कालाइन वो एसिड को न्यूट्रलाइज भी करेगा, ये एक अल्कालाइन वाला केमिकल है, तो उसे भी मिक्स कर लेंगे। टीएसपी के बाद डालेंगे सीएमसी सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज। तो हम सीएमसी को डाल लेंगे। तो सीएमसी हम डाले 20 ग्राम। उसके बाद डालेंगे एसटीपीपी 100 ग्राम। ये एसटीपी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, सोडियम ट्राई फॉस्फेट।
उसके बाद डालेंगे सीबीएक्स, सीबीएक्स हम डालेंगे 2 ग्राम, अगर आप सीबीएक्स नहीं मिला तो आप टिनोपाल भी यूज कर सकते हो। उसके बाद डालेंगे हम ग्लोबल सॉल्ट 135 ग्राम, इसे ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं और सोडियम सल्फेट भी कहते हैं, आप इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी मांग सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो आप साधा नमक भी उसे ऐड कर सकते हो, मगर अगर आप बिजनेस पर्पज में कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल सॉल्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद उसी हिसाब से जो सॉल्ट ग्रैनुअल्स आप ला सकते हैं, सॉल्ट ग्रैनुअल्स उसे भी डाल सकते हैं, तो उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए उसके वेट अब 900 ग्राम हुआ। उसके बाद हम डालेंगे परफ्यूम ग्रैनुल्स और हमारा जो एसिलेस नीडल्स उसमें डालेंगे, तो उसे निकाल देते हैं। अब उसमें परफ्यूम डाल लेंगे, ये जो परफ्यूम डालेंगे हम 5 ग्राम तक डालेंगे। अगर आप डालते हो परफ्यूम तो किसी फूल वाला परफ्यूम डालिएगा, उसके खुशबू अच्छा रहेगा। वो ये पूरी तरह सूखे लचक से बना हुआ है और उसकी जो क्वालिटी रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, तो आप इसी तरह आसानी से बना सकते हैं। डिटर्जेंट बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशन है, आपको और भी सारे फॉर्मुलेशन और रेसिपी डाल दूंगा। ये इसलिए डाला क्योंकि ये आपके पास इस जो इंग्रेडिएंट्स है वो आसानी से मिल जाएगा आपके पास नज़दीक। आप उसे मिक्स करके किसी छन्ने से छान सकते हैं उसे। ठीक, अब हमारा डिटर्जेंट बन के तैयार। अब उसे खूबसूरत बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे ग्रैनुल्स डालेंगे। हमारे पास ग्रैनुल्स तो अवेलेबल नहीं था, तो हमारे पास ये नीडल्स थे, वो ऐसे इसका नीडल है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब देखिए दोस्त, अब आपका डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हो चुका है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन चुका है। यह हमारा फॉर्मुलेशन 1 था, इसी तरह हम फॉर्मुलेशन 1, 2, 3 इसी तरह करके डिटर्जेंट का अलग अलग फॉर्मुलेशन और क्वालिटी के साथ लाता रहूँगा। तो हमारा वीडियो यहीं से ख़त्म होता है, हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।